नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा एम्पियर को वाट में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए अगर कहीं पे एम्पियर दिखाई दे रहा है तो उसका अगर आपको वाट निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे। तो कंप्लीट जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए शुरू से लास्ट तक, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग की जानकारी दोस्तों आपको मेरे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल सोनू टेक वाले पे मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल की जानकारी दोस्तों आपको मेरे इस चैनल सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी वाले पे मिलेगा। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपका जो भी सवाल रहेगा आप क्वेश्चन टाइप करना, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को, अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है और कहीं पे फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम दोस्तों आपके सामने अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से क्लैंप मीटर है और क्लैंप मीटर में आपको एम्पियर दिखा रहा है 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, कुछ भी एम्पियर दिखा रहा हो, और अगर उस टाइम आपको ये ना पता हो कि ये जो है दोस्तों कैसा लोड है आपको, यानी कि ना पता हो ये किस चीज का लोड है, मोटर का है या फिर किसी और चीज का है, ठीक है, तो उस टाइम आपके सामने दोस्तों खाली एम्पियर शो होगा कि ये इतना एम्पियर दिखा रहा है, तो उसको आप वाट में कैसे कैलकुलेट करेंगे यही आज मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मेरे हाथ में ये क्लैंप मीटर है, और क्लैंप मीटर से जब आप इस तरह से लगाते हैं, ये जो है डिजिटल क्लैंप मीटर है, तो जब इस तरह से लगाएंगे तो एम्पियर इसमें दिखाता है। मान लीजिए इसमें दोस्तों आपको 30 एम्पियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है एम्पियर से वाट में कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एम्पियर टू टॉपिक जो है दोस्तों वो है एम्पियर टू वाट कैलकुलेशन फार्मूला, एम्पियर को वाट में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका जो है दोस्तों एक फार्मूला होता है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला है हमें क्या करना है, हमें ये वाट कैलकुलेट करना है, एम्पियर से वाट को कैलकुलेट करना है। तो इसका जो फार्मूला है दोस्तों वो हो जाएगा पी बराबर वी इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये फार्मूला है एम्पियर से वाट में कैलकुलेट करने का। यहाँ पे पी जो है दोस्तों हमें निकालना है, और वी जो है दोस्तों ये वोल्टेज है, और आई जो है दोस्तों वो करंट को दिखाता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मान लीजिए आपके पास एक क्लैंप मीटर है और क्लैंप मीटर में आपको मान लीजिए 30 एम्पियर अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा यहाँ पे पी का जो वैल्यू है दोस्तों ये तो हमें निकालना है, यानी कि पावर हमें निकालना है, और जो वोल्टेज है दोस्तों अगर ये सिंगल फेज है तो 220 वोल्ट हो जाएगा, और अगर थ्री फेज है तो उसमें 440 हो जाएगा, उसमें भी पावर फैक्टर और इफिशियंसी इंक्लूड होगा। तो ये जो है दोस्तों ये एकदम बेसिक फार्मूला होता है इसका, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपको वाट निकालने के लिए इसमें जो दोस्तों पावर फैक्टर और इफिशियंसी को इंक्लूड करना होगा। अभी मैं दोस्तों आपको दोनों तरीका बताऊंगा, एक तो ये बेसिक वाले तरीके से भी निकाल के दिखाऊंगा, जो कि दोस्तों ये पढ़ाया जाता है किताब वगैरह में, ठीक है, आईटीआई वाले सेमेस्टर में भी बताया जाता है, और जो 10+2 का जो बुक होता है दोस्तों फिजिक्स का उसमें भी ये बताया गया है। ये जो है दोस्तों ओम का नियम है जिसको तीन तरह से परिभाषित किया गया है, आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा इसको। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो है दोस्तों बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला के आधार पर मैं रखता हूँ इसका वैल्यू। तो यहाँ पे P जो है दोस्तों हमें निकालना है, और V का जो वैल्यू है दोस्तों वो हो जाएगा सिंगल फेज के लिए 220 वोल्ट। तो अब यहाँ हो जाएगा P बराबर ये 220, और यहाँ पे I जो है दोस्तों मैं मान रहा हूं, मान लीजिए एम्पियर 30 एम्पियर दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों ये 220 वोल्ट, उसके बाद ये 30 एम्पियर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा तो वाट निकल के आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो गया 22 × 3 बराबर 66 हो गया, और ये 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, ये हो गया, ये दोस्तों इतना हो गया 6600 वाट। तो ये जो है दोस्तों बेसिक वैल्यू निकल के आया है, ये बेसिक जो मैं फार्मूला रखा हूं उसके आधार पे इसको मैं रखा हूं, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए निकल के आ रहा है 6600 वाट, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों बेसिक फार्मूला पे निकला है, लेकिन दोस्तों ये जो है ये प्रॉपर तरीका नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से निकालने के लिए दोस्तों आपको बेसिक फार्मूला में पावर फैक्टर और इफिशियंसी को इंक्लूड करना होगा। तो चलिए अब दूसरा फार्मूला मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, वो जो है दोस्तों प्रॉपर तरीका है। तो यहाँ पे ये वैल्यू वही रहेगा, यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा P बराबर V इक्वल टू आई, फिर हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू
यहाँ पे पावर फैक्टर पीएफ हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा इफिशियंसी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से रखेंगे वैल्यू तब प्रॉपर निकल के आएगा। अब इसके आधार पर रख के देखते हैं तो यहाँ पे सिंगल फेज है, वोल्ट का वैल्यू 220 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई है तो आई का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 30 एम्पियर था, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम 30 रखेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई का यहाँ मार्किंग हुआ, उसके बाद यहाँ 30 एम्पियर, फिर उसके बाद यहाँ पे पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो है 0.19, ये देखिए। उसके बाद इफिशियंसी है, इसको भी आप इतना ही रखेंगे 0.19, ये दोनों को आप अगर 0.80 रखेंगे तो भी सही रहेगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू होगा वो निकल के आएगा, वो प्रॉपर वैल्यू होगा। तो अब चलिए इसको कैलकुलेट करके देखता हूं मैं कि कितना वैल्यू आ रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पे 6600 वाट आया है, लेकिन यहाँ पे ये जो है इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 5346 वाट। अब देखिए फर्क आ गया दोनों में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बेसिक फार्मूला के आधार पे अगर इस तरह से वैल्यू रख के लगाया था मैं इसको, तो यहाँ पे 6600 वाट आया था। और दोस्तों अगर इसमें मैं ये पावर फैक्टर और इफिशियंसी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूं, तो देखिए यहाँ पे आ गया 5346 वाट। ठीक है, तो ये जो दोस्तों ये प्रॉपर तरीका होता है निकालने का, अगर आपको एम्पियर से वाट में अगर कैलकुलेट करना है तो ये प्रॉपर तरीका है। ठीक है, आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इसको, ये जो है दोस्तों ये फार्मूला यूज करके आप प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं वाट का, एम्पियर से वाट का। तो दोस्तों अगर आप लोग कहीं पे जाते हैं फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए और उस टाइम दोस्तों आपको पता नहीं रहता है कि यहाँ पे किस चीज का लोड है, मान लीजिए कोई वायर है, वायर के अंदर आपने क्लैंप मीटर लगाया इस तरह से, और दोस्तों उसमें कुछ भी वैल्यू दिखा रहा हो, 10 एम्पियर हो, 20 एम्पियर हो, या फिर 30 एम्पियर हो, चाहे जितना एम्पियर हो, और अगर वो सिंगल फेज सप्लाई है तो दोस्तों आपको ये फार्मूला लगा लेना है, उसके आधार पे दोस्तों वो निकल के आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि जो है वहां पे कितने वाट का डिवाइस लगा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ये था जानकारी एम्पियर को वाट में कैसे कैलकुलेट करें। तो अभी इसको मैं सॉल्व कर दिया हूं और मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपका जो भी सवाल रहेगा, क्वेश्चन टाइप करना, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।